दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गूगल पे से बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कैसे करते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी सीखना चाहते हो कि कैसे गूगल पे से बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए दोस्तों आपको बता देते हैं कैसे गूगल पे से किसी दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करते हैं। तो दोस्तों आपको सबसे पहले अपना गूगल पे अकाउंट ओपन कर लेना है। यहाँ पे देखिए मैं अपना गूगल पे अकाउंट ओपन कर लेता हूँ। आपने जो भी गूगल पे अकाउंट बनाते समय पिन डाला था वो पिन डाल के आपको ओपन कर लेना। तो यहाँ पे देखिए मैं अपना पिन डाल के ओपन कर लेता हूँ। गूगल पे अकाउंट ओपन करने के बाद आपके सामने यहाँ पे कुछ इस प्रकार के इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें अपने गूगल से बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने हैं। तो उसके लिए यहाँ पे देखिए ऑप्शन है आर का, यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ है न्यू। आपको यहाँ पे न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे देखिए आपके सामने चार ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन है मोबाइल रिचार्ज का, दूसरा ऑप्शन है बिल पेमेंट, और तीसरा ऑप्शन है बैंक ट्रांसफ़र। तो हमें यहाँ पे बैंक में ट्रांसफ़र करने हैं पैसे, तो हमें यहाँ पे बैंक ट्रांसफ़र पे क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, आपको बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करने से पहले आपको अपना बैंक अकाउंट अपने गूगल पे अकाउंट से लिंक करना होगा, तभी आपके बैंक अकाउंट से किसी दूसरे के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र होंगे। तो दोस्तों आपको पहले बैंक अकाउंट लिंक कर लेना है। अगर आपने नहीं लिंक कर रखा है तो आप जाके पहले लिंक कर लीजिए। मैंने उसके लिए एक अलग सी वीडियो बनाई है, मैंने उस वीडियो में बताया है कैसे गूगल पे अकाउंट से बैंक अकाउंट लिंक करते हैं। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे बैंक ट्रांसफ़र पे क्लिक कर देना है। बैंक ट्रांसफ़र पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे आपको आप जिसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उसके अकाउंट नंबर डाल दीजिए, उसके बाद री इंटर अकाउंट नंबर, फिर आपको IFSC कोड डाल देना है, फिर आपको अकाउंट होल्डर नेम डाल देना है। तो मैं यहाँ पे जिसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ उसका अकाउंट नंबर, IFSC कोड और सारा कुछ डाल के मैं आगे बताता हूँ क्या करना है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सारा कुछ इन्फॉर्मेशन डाल दिया है, अकाउंट नंबर भी डाल दिया है, IFSC कोड भी डाल दिया है, नाम भी डाल दिया है। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए नीचे ऑप्शन है कंटिन्यू का, हमें यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे आपसे पूछेगा आप कितने रुपए ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे 50 रुपये आपको दिखाने के लिए ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे 50 रुपये डाल देंगे। अमाउंट डालने के बाद यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि आप किस लिए पैसे यहाँ से ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पे चेक मार्क पे क्लिक कर देना है। चेक मार्क पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ जाएगा प्रोसीड टू पे। आपको यहाँ पे प्रोसीड टू पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड टू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग लेगा। थोड़ा सा लोडिंग लेने के बाद आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा इंटर UPI पिन। आप जब भी अपना बैंक अकाउंट लिंक करेंगे उस समय आपको एक UPI पिन बनाने का ऑप्शन आता है, वो UPI पिन आपको यहाँ पे डालना होता है। जब भी आप किसी को पैसे ट्रांसफ़र करेंगे तो आपको यहाँ पे UPI पिन डालना होता है, तो आपको वही UPI पिन यहाँ पे आपको डाल देना। तो मैं यहाँ पे अपना UPI पिन डाल देता हूँ। UPI पिन डालने के बाद आपको यहाँ पे चेक मार्क का ऑप्शन आएगा, चेक मार्क के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। आप जैसे ही चेक मार्क के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ जाएगा पेमेंट प्रोसेसिंग। आपकी पेमेंट प्रोसेसिंग में आपके पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए मेरी पेमेंट प्रोसेसिंग में है और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पैसे ट्रांसफ़र भी हो चुके हैं। तो दोस्तों आप इस प्रकार से गूगल पे के थ्रू अपने अकाउंट से किसी दूसरे के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र